हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को प्रणाम हमारी तरफ से और सत श्री अकाल। आज सुबह सुबह 7 बज गया है लगभग, और मैं सो के जगी हूँ। और बस अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बट बस मुँह धुल लिया है, बाकी अभी कुछ नहीं, अभी मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ कुछ भी। और मैं आज बनाने जा रही हूँ कुछ इस स्पेशल चीज़, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो वो स्पेशल चीज़ क्या है। तो चलिए, हमारे साथ हमारी वही है किचन, तो वहाँ आप चलिए। और आज वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटा जरूर बजा के जाइएगा। और चलते हैं सुबह सुबह अपने किचन में, और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं, चलना हमारे साथ। ये देखिए, ये मैंने आलू लिया हुआ है, ये मैंने लगभग 5 छोटे छोटे आलू थे, 4-5 आलू हैं, और मैं इनको मिक्सी में पीसूंगी, पीस के इनको पीसूंगी, पीसने के बाद इनका मैं घोल तैयार करूंगी गैस पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये रहे आलू, ये रहे, ये है आलू। इस भगोने में मैं बनाऊंगी। देखिए, मेरा जो टेक्सचर है वो तैयार हो चुका है, जो पीस के मैंने बनाया हुआ आलू का, जो मैंने बताया हुआ था। और इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ना ये लाल पड़ जाता है, और लाल पड़ जाता है ना इसलिए। तो हम इसमें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा आप खाते हैं जीरा डालिए, इसके बाद इसमें ये मैंने थोड़ा नमक लिया हुआ है, इसमें करी पत्ता भी सूखे प्रेस करके डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसको गैस पे रख दूंगी स्लो फ्लेम, स्लो करके, और मैं इसको एक कंचली की सहायता से मैं इसको बराबर चलाती रहूंगी। देखिए, थोड़ा ये लाल लाल पड़ चुका है, तो देखिए, ये अगर गाढ़ा दिखे ना तो पानी मिला लो इसमें। फिर मैं आपको इसके जो पापड़ है ना, मैं बनाऊंगी ना, तो मैं दिखाऊंगी, वो मतलब झटपट कभी भी रेडी कर सकते हैं उनको, फटाफट बना के, ना कोई झंझट, ना कुछ ना कुछ। और इसमें बहुत सारा पापड़ बनता है, आप ऐसा मत करना कभी कि एक भगोना काट लो और फिर इसके बाद बनाओ, तो इसमें अभी देखना ये पूरा ना भगोना ऊपर आ जाएगा, बहुत सारा बनेगा पापड़। चलिए, मैं हमारी वीडियो में आगे देखते रहिए। ये देखिए, ये बनकर हमारा आलू का जो हमने बनाया हुआ था टेक्चर, वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए, गाढ़ा है, और हम ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैं अभी नीचे ही बना रही हूँ थोड़ा से, इसके बाद मैं ऊपर छत पे जाऊंगी, जब मैं पापड़ बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को एक आध बना के दिखाती हूँ। ये हम चम्मच की सहायता से ऐसे, हम जितना अपना साइज जैसा चाहते हो आप वैसे बना सकते हो। ये देखिए, ये फूलने में बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे,
तो आपको हम बस थोड़े से ही बना के मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादा पतले नहीं रखने हैं इनको। अपने आप ये फैलते जाएंगे। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो ना तो चम्मच की सहायता से ये देखिए ऐसे आप गोल गोल बना दीजिए। आज आप लोगों को देखो मेरे पापड़ कैसे पसंद आते हैं कि नहीं। भाई ये हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ पापड़। देखिए ये रहे हमारे पापड़, बताना आप लोग। चलिए फिर आगे वीडियो में बने रहिए हमारी। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारी ये जो कल आलू का जो नीचे सत बैठ जाता है ना व्हाइट कलर का, तो उसकी मैंने ये बनाई हुई थी। अब ये मैं भून रही हूँ, इनको भून के दिखा रही हूँ आप लोगों को। और बताइए फूल का ही नहीं रहे, फूल का ही नहीं रहे। फूलेंगे, गैस धीमी थी ना। अरे भाई 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 ये तो बहुत बहुत बड़ा बवाल है। देखना ये सब फूल गए, देखना ये सब फूल गए। और बड़े होंगे क्या? ये और बड़े होंगे वैसे। हैं, और अब पापड़ बनाती हूँ। जले जा रहे हैं तो जल्दी 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 तेल मत मिल वो कर दो। क्या हो गया? ये देखिए मेरे भुन गए, ये आप भी खाइएगा। और ये जो मैंने कल पापड़ बनाए थे ना वो देखती हूँ भून के कैसा है। कम तेल में भून गया ना, भूलेगा? हाँ ये रहा। चल और इसमें ये रह गई है ना फूलबरी, बोलते हैं इनको कहीं कहीं फूलबरी। अब कल नहीं रह गया। और ये मैंने चिप्स बनाए थे, ये भी भून के देखती हूँ भाई। भूल गया भूल गया, थोड़ा बहुत डाल। मैंने इसमें तेल ना कम डाला है। सही है बेचारा, तेल भी वो आ। नहीं नहीं बचना नहीं चाहिए ना फ्रेंड्स। एक बात बताएं, कभी भी तेल ज़्यादा मतलब पूड़ी का हो, जो पूड़ियाँ बनाते हैं या हम सब्जी बनाते हैं, तो ज़्यादा तेल नहीं ये भुना हुआ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जैसे लोग निकाल लेते हैं पूड़ियाँ वूड़ियाँ बचती हैं ना, तो ज़्यादा नहीं डालो, उतना डालो कि जितना हमारे यूज हो जाए बस। तो चलिए हमारे चिप्स भी भुन गए हैं और आप भी खाइए। यही हमारा एक आज का स्पेशल वीडियो था कि हम ये दिखा रहे थे, और हमने जो आज बनाए थे ना आलू के, और उनको भी मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं ये। आप लोग भी बनाइए, यूज करिए, खाइए। इसमें हो सके तो बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हो, खाने वाला सोडा। और बताइए कैसे हैं ये। और चलिए अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और
हमारी वीडियो को बस। और चलिए आप लोग ख्याल रखिए, बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर।